नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज महासेवा के साथ। एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस और महासेवा न्यूज की इस खास पेशकश में हम ऐसे मुद्दों को रूबरू करवाएंगे जो जनता से जुड़े हैं। आज हम बात करेंगे किस तरह से सरकार के मंत्री, अधिकारी व निजी कंपनी ने मिलकर 107 करोड़ रुपए का सरकारी तिजोरी में नुकसान पहुंचाया। मामला है सांताक्रूज कलीना स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी निर्माणाधीन बिल्डिंग का, जहां इमारत में 6 माले बनकर तैयार हैं, लेकिन लाइब्रेरी का कहीं अता पता नहीं दिखाई देता। दिखाते हैं इस मामले की पूरी कहानी आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली की जुबानी। 1993 को मुंबई यूनिवर्सिटी से 4 एकड़ का जो जमीन थी वो सरकार ने लाइब्रेरी बनाने के लिए ली, मगर 2022 होने के बावजूद भी 6 माले की इमारत तो खड़ी है मगर लाइब्रेरी का कोई भी अता पता नहीं है। जब 19 फरवरी 2009 को मंत्रिमंडल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी होती है उसने वहां पर लाइब्रेरी बनाने के काम को मंजूरी दी और एक इंडिया बुल नाम की जो कंपनी थी उसके साथ एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट के तहत जो काम करना बाकी था उसके एवेज में उसे 18,421 का बिल्टअप एरिया फ्री ऑफ चार्ज में दिया जाने वाला था और सेंट्रल लाइब्रेरी को मिलने वाला था सिर्फ 23,423 का बिल्टअप एरिया। अगर हम पूरे मामले को देखते हैं तो उस वक्त 83 करोड़ का खर्चा था, मगर सरकार ने इंडिया बुल कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसके साथ एग्रीमेंट किया, मगर आज 12 साल होने के बावजूद भी लाइब्रेरी की इमारत तो खड़ी है मगर लाइब्रेरी का कोई भी अता पता नहीं है। जब विवाद हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, चर्चा हुई, तब 3 सितंबर 2019 को फिर एक बार कैबिनेट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी थी उन्होंने डिसीजन लिया कि इस मामले को यहीं पर खत्म किया जाए, इंडिया बुल से जमीन को वापस लिया जाए और उसके बदले में जो उसको नुकसान हुआ है उसे दिया जाए। लेकिन अगर हम देखेंगे कि जिस तरह से एग्रीमेंट हुआ था काम पूरा नहीं हुआ तो सही में उसे एक पैसा भी देने की आवश्यकता नहीं थी, मगर मंत्रियों ने, सरकार के अधिकारियों ने 137 करोड़ रुपीज उसे देने का काम किया। आज फिर एक बार उसकी निविदा जारी हुई है और करीब 53 करोड़ रुपए का खर्चा बताया गया है। अगर हम इस पूरे पैसे का हिसाब करेंगे तो सरकार को जब ये प्रपोजल सामने आया था उस वक्त से लेकर आज तक 107 करोड़ का नुकसान हुआ है। हमारी सरकार से मांग है, हमने चिट्ठी भी लिखी है कि इस पूरे मामले की जांच करें, जो भी मंत्री जो भी अधिकारी इसमें शामिल हो उस पर कार्रवाई करें और उस सेंट्रल लाइब्रेरी का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करें। तो जनता जनार्दन, आपने देखा किस तरह से आपके दिए हुए टैक्स के रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है। इस मामले का खुलासा करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल जी, यह मामला किस सरकार के कार्यकाल में हुआ और इसमें किसकी जिम्मेदारी हो सकती है, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी व निजी कंपनी? इस पूरे मामले में सरकार को कुछ भी लाभ नहीं हुआ जबकि बिल्डर को फायदा हुआ और आज फिर एक बार 53 करोड़ का नया प्रावधान उस लाइब्रेरी का अधूरा काम करने के लिए किया गया। आगे आपकी इस मामले पर क्या डिमांड है? हमने मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और जो डिपार्टमेंट के मंत्री है उन्हें चिट्ठी लिखी है कि पूरे मामले की जांच की जाए, उस वक्त के जो भी मंत्री हो, अधिकारी हो और जो रियल एस्टेट जो उसमें शामिल अधिकारी हो ऊपर जांच कर कार्रवाई करे, क्योंकि ये पूरे के पूरे मामले में अब हम देखेंगे तो 137 करोड़ रुपीज हर्जाने के तौर पर इंडिया बुल्स को उन्होंने 2020 में दिए हैं और अभी जो 53 करोड़ का खर्चा हो रहा है, कुल मिलाकर जो हमारा लाइब्रेरी का खर्चा 190 करोड़ के आसपास जा रहा है जबकि मूल खर्चा सिर्फ 82 करोड़ था। यानी अगर हम लोग हिसाब करेंगे तो अभी 107 करोड़ का नुकसान सरकार को हो रहा है। कहीं ना कहीं तो इस तरह की जो चीजें है, चाहे मुंबई महानगर पालिका हो, MMRDA हो, PWD हो या उच्च तंत्र जो शिक्षा विभाग हो, उन्हें आने वाले दिनों में इस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो BOT जिसे हम लोग कहते हैं उसके तहत इस तरह के काम नहीं करने चाहिए और इस तरह के जो भी मामले मुंबई शहर हो, राज्य में हो, उसे ताबड़तोब कैंसिल करें, क्योंकि इससे ना लाइब्रेरी आज तक बन पाई, करीब 12 साल हुए हैं, हमारे पैसे भी खर्च हुए हैं और कहीं ना कहीं तो नुकसान जनता के टैक्स से जो हम पैसा जमा करते हैं, जो सरकार के पास जमा होते हैं जनहितु काम के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के मंत्री अधिकारी कहीं ना कहीं तो उनकी जो संलग्नता दिखाई दे रही है। अनिल जी, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से जो करोड़ों का नुकसान हुआ है, इस मामले पर आप अपनी राय जरूर भेजें और महासेवा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।